हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे। सुबह के दोस्तों 8:06 हो चुके हैं और आज 30 जून है, तो 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। सुबह के 5 बजे कई सारे इंपॉर्टेंट ई पेपर है जो कि आते हैं, जैसे कि आपका द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो गया, जनसत्ता हो गया। इन सभी को दोस्तों पढ़ने के बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि तैयार कराया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आज है 30 जून, तो 30 जून का करंट अफेयर है जो कि कवर करेंगे। सबसे पहले गाइस, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम में। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस करंट अफेयर को मत छोड़िएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट है जो कि इससे आपको मिलेगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले प्रीवियस देखे तो कल क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं थे, तो आज होंगे नहीं। आज सारे न्यूज़पेपर कवर करेंगे, ठीक है गाइस, फन फैक्ट कवर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण आज के सवाल है जो कि कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम नाम से दोस्तों एक चैनल है, यहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में अगर आपको इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको अगर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको रेफरल कोड BHU10 या Bhuvnesh10 लगाना पड़ेगा, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस, सब कुछ आपको मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे अपना गोल सिलेक्ट करिए, SSC, UPSC, IIT, GATE, है ना, बैंक, जो भी आपका गोल है, फिर प्लस में जाइए, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके नीचे BHU10 है जो कि आप लगा सकते हैं। इससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगर आपको जीके पढ़नी है तो आप जीके पढ़ सकते हैं SSC फाउंडेशन बैच से, जहां पे मैं कंप्लीट जीके आपको करा रहा हूं। मैंने हिस्ट्री से शुरुआत है जो कि यहां पे करी है। ठीक है गाइस, इसके अलावा 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे। ओके, और इंडिया करंट अफेयर पे दोस्तों 2 नए वीडियो है जो कि आ चुके हैं, है ना, तो प्लीज जाके आज देख लीजिएगा। 2 इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि मैंने और बना दिए है। मैं डेली जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो है जो कि लेके आने वाला हूं, तो गो एंड वॉच इट, आपके लिए सही रहेगा। साथ में अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके घर में कोई जॉब कर रहा है, दोस्त कोई जॉब कर रहे हैं, तो प्लीज उनको बोलिएगा कि जो भी आपको मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल रहा है, तो वापस से थोड़ा सा गिव बैक करने की कोशिश करें, एक बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करें 500 रुपए पर मंथ में हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। smileforallsociety.org की वेबसाइट पर जाके एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। आज का कोट ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पे लर्न इंग्लिश विद नेहा के द्वारा भेजा गया है। कुछ सिखाकर यह दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना इस बुरे वक्त से, कल आज है और आज कल ये सब भी पुराना हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये बात है जो कि बहुत अच्छी यहाँ पे नेहा के द्वारा कही गई है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी लाइफ में जब हम स्कूल के अंदर थे तब बहुत अच्छा वक्त हुआ करता था, सबको लगता था कि बहुत बुरा वक्त है, कॉलेज के टाइम पे बहुत अच्छा आएगा। कॉलेज में आए तो लोगों को लगा कि यार ये कॉलेज वाला तो अच्छा ही नहीं है, है ना, कॉलेज के बाद में बहुत अच्छा आएगा। कॉलेज से बाहर जाने के बाद लगा यार कॉलेज वाला बहुत अच्छा था। तो ये इंसान की जो प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा जो प्रेजेंट होता है उसको हमेशा क्रिटिसाइज करता है और आने वाले भविष्य को ये सोचता है कि मेरा अच्छा वक्त है जो कि भविष्य में आएगा। ये बात समझने की कोशिश नहीं करते हम कि आज जो आपके पास है ये भी आपका बहुत अच्छा टाइम है। बस देखने का नजरिया सबका अलग अलग होता है। आपकी नजर में कोई दूसरे लोग जो है वो बहुत अमीर है और किसी दूसरे की नजर में आप भी बहुत अमीर हो, किसी की नजर में आपकी लाइफ बहुत खराब है, किसी दूसरे की नजर में आपकी लाइफ भी बहुत बढ़िया है। ओके, तो मुझे मालूम है आपकी लाइफ के अंदर एक करियर रिलेटेड संबंधित समस्या जो है वो अभी आपको सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है जो कि आपके करियर की है। बाकी सारी प्रॉब्लम अगर सॉर्टेड आउट है या फिर मान लीजिए 4 में से 3 भी सॉर्टेड आउट है तो 2-3 की बात है, धीरे धीरे सही हो जाएगी वो भी, है ना, मेहनत करते जाइए, चीजें अपने आप सही होगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं आज के द हिंदू की तरफ। आज के द हिंदू की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में बात करी गई है। ठीक है गाइस, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे दोस्तों वैक्सीन को लेकर बात करेंगे, मॉडर्ना वैक्सीन, और यहाँ पे मानसून सेशन के बारे में बात करी गई है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों FIR जो है वो ट्विटर के खिलाफ यूपी MP बहुत जगह पे हो गई है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड मैप को लेकर वो बताया गया है। तो ये 3 न्यूज है दोस्तों जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो कभी भी अपनी ड्यूटीज से जो है भाग नहीं सकती, माइग्रेंट लेबर से
रिलेटेड इस पेंडेमिक के अंदर, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा एक जजमेंट है जो कि दिया गया है। एक्चुअली के अंदर देखिए, सरकार बोलती है कि भाई राशन कार्ड वालों को हम लोग क्या देंगे, खाना देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, माइग्रेंट लेबर है, जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है, उनको क्या आप भूखा छोड़ोगे, ये बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो है वो भूखा नहीं सोना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है। 31 जुलाई डेडलाइन है जो कि दी गई है इंप्लीमेंट करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड। अब देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर है, हालांकि अगर यही फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक साल पहले आता तो यकीन मानिए बहुत सारे लोग जो है उनको थोड़ी बहुत दो वक्त का खाना जो है वो थोड़ा आसानी से मिल जाता, लेकिन अभी बहुत लेट है जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। लास्ट ईयर तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ एक मूक दर्शक होकर जो है लोगों की प्रॉब्लम से जो कि देखी थी, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हुए उसके बाद थोड़ा सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ है। अब यहाँ पे दो चार पैरामीटर है, सबको बता रहा हूं आपको। सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड, तो आप समझते होंगे कि आपने राशन कार्ड बनवाया और आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर जो है आप इसको काम में ले सकते हो। अभी क्या होता है कि जिस जगह पे आप राशन कार्ड बनवाते हो, जैसे कि बिहार का राशन कार्ड है, तो बिहार में ही आपको दोस्तों सुविधाएं मिलती है, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो आपको दाल, सीरियल्स, ये सब मिलते हैं, समझ गए। 30 से 35 किलो है जो कि एक महीने के अंदर एक आदमी को मिलता है। लेकिन अगर आप कल को महाराष्ट्र चले जाएगा वो बंदा, तो वहां पे उसको नहीं मिल पाएगा, तो कैसे अपना जीवन व्यापन करेगा। तो माइग्रेंट लेबर वही होते हैं ना जो कि एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं। आपको मालूम है देश में माइग्रेंट लेबर कितनी है, जान के आपको हैरानी हो जाएगी दोस्तों। ओके, देश के अंदर जो है यहाँ पे 40 करोड़ के आसपास जो है 38 करोड़ दोस्तों माइग्रेंट लेबर है। और सबसे ज्यादा बुरा जो है 4 घंटे के अंदर मोदी जी ने जब 8 बजे आके जब लॉकडाउन किया था तो इन्हीं के साथ में हुआ था। 38 करोड़ नंबर, 140 करोड़ पॉपुलेशन, तो आप देख सकते हो कि मतलब कितना ज्यादा बड़ा नंबर है ये, समझ गए। समवेयर 25 से 30% की पॉपुलेशन है यहाँ पे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने लेबर मिनिस्ट्री को भी फटकार लगाई है कि 2018 तक जो है ना टारगेट था कि पूरा डाटा जो है माइग्रेंट लेबर का वो बनाया जाएगा, ओके, लेकिन 2021 आ चुका है और अभी तक डाटा के बारे में कोई अता पता नहीं है। तो यहाँ पे नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्क पोर्टल है जहां पे पूरा डाटा डालने के लिए बोला गया था, ताकि हम किसी को, हर किसी को मदद कर सके, उनके अकाउंट में थोड़े पैसे डलवा सके, लेकिन ये काम भी दोस्तों नहीं हो पाया। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। समझिए मेरी बात, आप देख सकते हैं दोस्तों 2011 के सेंसस के हिसाब से भी 45 करोड़ लोग थे जो कि इंटरनल माइग्रेंट है। मैंने तो अभी यहाँ पे 38 करोड़ बताया क्योंकि कुछ लोग तो रिहैबिलिटेट हो गए। 2011 के हिसाब से 45 करोड़, उस टाइम पे 37% पॉपुलेशन माइग्रेंट लेबर थी, ओके। और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम बहुत अच्छी थी, इसके तहत क्या किया गया था कि भाई पूरे देश में कोई से कहां से भी कोई लेबर जो है अपने सस्ते में खाना पीना है जो कि ले सकता है, ठीक है गाइज। अब देखिए राशन कार्ड भी बहुत प्रकार के होते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से गाइज, आप लोगों की अगर परिवारों में ऐसा है ना, अगर कोई, अगर आप बीपीएल कैटेगरी में आते हो या बीपीएल से थोड़ा ऊपर भी कैटेगरी में आते हो तो भी आपको राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए। देखो दो चीजों का ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत दिल से बता रहा हूं ये बात, अगर आपको चीजें थोड़ी बहुत सही रखनी है अपने परिवार में तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो इंश्योरेंस, क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे दोस्तों पैसे नहीं होते, तो एक तो इंश्योरेंस होना चाहिए, बहुत ही सस्ते में इंश्योरेंस होता है, आगे पढ़ाऊंगा अभी आपको, ठीक है। दूसरा आपका दोस्तों राशन कार्ड, अगर आप बीपीएल या बीपीएल से थोड़ी सी ऊपर कैटेगरी में आते हो, जिनके लिए भी एक कार्ड बनता है जिसको बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन राशन कार्ड, ये उनके लिए बनता है जिनकी सालाना इनकम 1 लाख रुपए के आसपास है। इसमें 15-20 किलो राशन मिलता है आपको महीने का और थोड़ी रेट ज्यादा होती है, 10-15 रुपए के हिसाब से मिलता है, केजी के हिसाब से। लेकिन बीपीएल के अंदर तो आपको मालूम है 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से आपको राइस, मीट और सीरियल्स मिलते हैं और ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाला है ना। इसी प्रकार से ये दोनों जो स्कीम है ये तो आपका स्टेट इंप्लीमेंट करता है, इसी प्रकार से सेंटर के द्वारा अंत्योदय अन्न योजना भी है ना, ये राशन कार्ड भी बनता है जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिली के लिए होती है, जो कि आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पता करती है, ठीक है गाइस। इसी प्रकार से स्टेट के बीपीएल कार्ड है जो कि अलग से भी बनाए जाते हैं, ग्राम सभा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मुझे मालूम है राशन कार्ड बनवाना बहुत ही मुश्किल काम हो चुका है, बहुत सारे मिनिस्टर जो है उनके पास में भी राशन कार्ड बने रहते हैं है ना पहले के टाइम पे, लेकिन फिर भी गाइस जो है बनाने की कोशिश करो। मुझे मालूम है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे भी हो सके, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन है राजस्थान में, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बना सकते, थोड़ा किसी की मदद ले लो, किसी पढ़े लिखे आदमी की या जो कहीं काम करवाता है या करवा चुका है पहले, उससे जो है बनवा लो, आपकी फैमिली में, आपके आसपास की फैमिली में काफी मदद मिल जाएगी इनसे, है ना। तो ये न्यूज जो है मैंने जो कवर करी है वो इसीलिए करी है, ठीक है गाइस। हमारे यहाँ पे
अच्छा कैमरा थोड़ा सा कट रहा है क्या? जस्ट गिव मी अ सेकंड, थोड़ा सही कर रहा हूँ कैमरा गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके हाँ कट रहा है, मुझे दिख रहा है, दिख गया। ऑल राइट ठीक है, अभी ठीक है, चलिए हाँ ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। आगे बात करते हैं, और वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड की अगर मैं स्कीम की बात करूं तो ये सारे बहुत सारे राज्यों ने तो इसको इंप्लीमेंट कर लिया है। ओके थोड़े बहुत राज्य बचे हुए हैं, तो उसको 31 जुलाई तक की डेडलाइन है जो कि यहाँ पे दी है इंप्लीमेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है यहाँ पे सिप्ला और मॉडर्ना को लेकर। डीसीजीआई ने दोस्तों ट्यूजडे को परमिशन दे दिए, मुंबई बेस्ड फार्मा कंपनी, दोस्तों आप लोगों ने सिप्ला के बारे में सुना ही होगा, काफी बड़ी कंपनी है, इनको अप्रूवल दे दिया है कि ये क्या करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। कौन सी वैक्सीन है? ओके ये आपकी फोर्थ वैक्सीन है कंट्री के अंदर जो कि अप्रूवल दे दिया है, किसको? मॉडर्ना को, अमेरिकन वैक्सीन है मॉडर्ना, और ये हमारे देश की चौथी वैक्सीन है जो कि बन चुकी है आफ्टर द कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक के बाद चौथे नंबर की वैक्सीन है। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रेस रिलीज के अंदर जो है वीके पॉल के द्वारा इसका अनाउंसमेंट है जो कि किया गया है, अच्छी बात है, मतलब इससे हमारे पास थोड़ी सी और वैक्सीन बढ़ जाएगी, है ना। इसके अलावा फाइजर जो है और साथ में जो जॉनसन एंड जॉनसन है, इन दोनों की भी दोस्तों बात है जो कि चल रही है, अगर ये सारी वैक्सीन आ जाएगी तो काफी हेल्प है जो कि हमारे कंट्री में मिल जाएगी इस कोविड से बचने को लेकर। अमेरिका ने ये तो किया, मल्टीपल वैक्सीन वालों को अप्रूवल दे दिया, तो दमादम वहां पे वैक्सीन लग गई, जबकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हमारे पास थी SSI, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ज्यादा वैक्सीन हमारे देश के लोगों को नहीं दे पाए, समझ गए। तो ये स्ट्रैटेजी थी, तो ज्यादा मल्टीपल होती है तो ज्यादा बेहतर होता है, कोई कोई लगा लेता है, कोई कोसी लगा लेता है, इस तरीके से काम हो जाता है। 7 मंथ का दोस्तों स्टोरेज करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कि, है ना, और रेडी टू यूज इंजेक्टेबल वैक्सीन होगी 7 मंथ के लिए, प्रीस्क्राइब टेम्परेचर के ऊपर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, और 30 दिन के अंदर मतलब ये ओपन है जो कि अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एफिशिएंसी की बात करें तो 94% एफिशिएंसी है जो कि इसकी बताई गई है, और 14 डेज के बाद में ही, है ना, ये एफिशिएंसी जो है इंप्रूव होने लग जाती है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है मानसून सेशन को लेकर। आपको मालूम है दोस्तों हमारे जो मिनिस्टर लोग हैं वो भी अभी छुट्टियों के ऊपर है, जब से कोविड हुआ है तब से सबसे ज्यादा मजे इन्हीं के हुए, क्योंकि रोड के ऊपर लोगों की मदद करते हुए एक बार भी कोई एक मिनिस्टर देखने को नहीं मिला। बढ़िया पार्लियामेंट की छुट्टी हो रखी है, बढ़िया आप एरिया में कोई विजिट नहीं है, कोई ज्यादा काम नहीं है, चिल कर रहे हैं आराम से। फाइनली दोस्तों जो मानसून सेशन है पार्लियामेंट का वो अभी 19 जुलाई से दोस्तों अगस्त तक जो है वो चलने वाला है, हालांकि चलता तो सितंबर तक है, लेकिन वही वाली बात है कि अभी, है ना, ठीक है कोविड है तो फिर चल जाएगा मतलब। ठीक है गाइस, तो आपको यहाँ पे मालूम होगा अभी 540 दोस्तों लोकसभा के मेंबर है, जिसमें से 403, है ना, मेंबर जो है उनको अभी दोनों वैक्सीन के डोजेज है जो कि लग चुके हैं। ठीक है, तो 20 सीटिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पे बोला गया है। आप यहाँ पे अगर पार्लियामेंट के देखोगे तो 3 प्रकार के सेशन है जो कि हमको 1 साल में देखने को मिलते हैं। एक तो दोस्तों बजट सेशन होता है जो कि जनवरी से अप्रैल के बीच में करवाया जाता है, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछते ही है, इसके अंदर आपका बजट जो है वो पेश होता है। फिर होता है आपके मानसून सेशन जो कि जुलाई से आपके सितंबर तक चलता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कई सारे डिस्कशन है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट वाले मैटर पे होते हैं, और इसी टाइम पे दोस्तों आपके काफी लड़ाई झगड़ा भी चलता रहता है। फिर आगे बात करते हैं विंटर सेशन, दोस्तों सर्दी का टाइम होता है दिसंबर और जनवरी। ठीक है, 2 महीने जो है ये सेशन चलता है, और शॉर्टेस्ट सेशन है जो कि ये होता है। अब आपको लगता होगा कि सर देखो आप कैसी बात कर रहे हो, MP लोग कितनी मेहनत करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जनवरी से अप्रैल, उसके बाद जुलाई से सितंबर, उसके बाद दिसंबर से जनवरी, पूरे साल तो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल बात सही है आपकी, बहुत मेहनत करते हैं यार, 12-12 घंटे जो है वो पार्लियामेंट का सेशन चलता है, बहुत सारी डिबेट होती है, बहुत सारा पब्लिक डिस्कशन होता है, है ना। आप देख सकते हैं इनके टाइमिंग जो होते हैं ना, इनके काम करने के जो टाइमिंग बताता हूँ आपको, बहुत ही ऑफिशियल टाइमिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, अनऑफिशियल तो आप भूल ही जाओ, पता नहीं क्या ही होता होगा। ऑफिशियल टाइमिंग देखिए 11 बजे जो है इनके शुरुआत होती है पार्लियामेंट की। अगर आप राज्यसभा से MP बने हो ना तो 11 से लेकर दोस्तों 5 बजे तक का आपका सेशन है जो कि चलता है, 11 से 5 6 घंटे, उसमें भी दोस्तों बीच में 1 से 2 का जो है वो आपके लंच ब्रेक होता है। ठीक है गाइस, यानी कि 5 घंटे काम करने के आपको 1.5-2 लाख रुपए सैलरी है जो कि मिलती है। चलिए अगर मान लीजिए आप MP जो है लोकसभा से बन गए हो तो भी दोस्तों 11 बजे आना पड़ेगा, कितनी जल्दी आना पड़ता है, नहीं बहुत जल्दी आना पड़ता है, 11 बजे आना पड़ेगा, और आपका जो टाइम है वो पता है कब तक का है, 6 बजे तक का आपका टाइमिंग है। इसके अंदर भी दोस्तों वही है, 1 घंटे का आपका लंच ब्रेक है,
जिसके अंदर बहुत सस्ते में खाना मिलता है, अभी तो थोड़ा सा महंगा हो गया लेकिन अभी भी बहुत सस्ता ही है कंपैरेटिवली। इसके अंदर दोस्तों जो 11 से 12 वाला जो टाइम होता है ये होता है क्वेश्चन आवर, जब क्या होता है कि पहले से प्री डिफाइंड क्वेश्चन है जो कि आपको देने पड़ते हैं, जिससे भी आपको सवाल पूछना है और वो आपके जवाब है जो कि देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कौन सा बच्चा बताऊं, यहाँ पे भूमि है, भूमि तो भूमि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एमपी और भूमि ने को फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल, एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछना है कि आपने जो है 3 साल पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में वादा किया था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाओगे, क्या हुआ उसका, जनता मेरे पीछे पड़ी है, जूता लेके भाग रही है और मैं आगे आगे भाग रही हूं, तो कैसे काम चलेगा। तो आपने एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल किया, एजुकेशन मिनिस्टर आपके सवाल का जवाब देगा इस वाले टाइम के अंदर। पहले से आपसे वो सवाल उसको पहले से देना पड़ेगा, वो प्रिपेयर करके आएगा, फिर आपको एक मीठी सी गोली है जो कि दे देगा कि भाई देखो हमने वहां पे बजट पास कर दिया है, हम वहां पे कोशिश कर रहे हैं, कमेटी बना दी है, डिस्कशन हो रहा है, 2 साल के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी, आप खुश हो जाओगे और वही बात जाके जनता को मीठी सी गोली आप दे दोगे। इस प्रकार से दोस्तों 11 से 12 के बीच में होता है। 12 से 1 के अंदर होता है दोस्तों 0 आर। ये 0 आर दोस्तों क्या, वो वाला 0 आर होता है जिसमें गुत्थम गुत्था होते हैं, देखा होगा ना, कई बार लोग चिल्लाते हैं, कई बार लोग झगड़ा करते हैं, कई बार लोग उठापटक करते हैं, कई बार, एक बार तो पार्लियामेंट में मिर्ची फेंक दी गई थी, है ना, सब लोग बहुत ही परेशान होकर आए थे। तो ये 0 आर वो है जिसके अंदर गुत्थम गुत्था वाला टाइम है। ये ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये हमारा खुद का इन्वेंशन है 0 आर, ठीक है गाइस। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी सवाल लेके आ सकता है। अब देखो 12 से 1 के बीच में थक जाते हैं ना, इतनी लड़ाई करनी पड़ती है, पार्टी एक दूसरे के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, राहुल गांधी हाथ मारेंगे, मोदी जी गले लगाएंगे, ऐसे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में दोस्तों सब थक जाते हैं तो आराम से दो है चिल करते हैं, 1-2 लंच वंच करते हैं, फिर उसके बाद में जो है फिर पब्लिक जो गवर्नमेंट के बिजनेस है, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है, जो अच्छे ठीक ठाक से जो काम है बिल पास करवाने के, वो सारे काम है जो कि 2 से लेकर 5 बजे और 6 बजे तक है, जो कि होता है डिपेंड कि आप राज्यसभा या फिर लोकसभा के मेंबर हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पे पूरा समझ में आ गया होगा। 2 से 5 के बीच में देखिए आपके लॉ बनते हैं और आपके बजट है जो कि पास होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 7। यहां पे दोस्तों जो बताया गया है वो हमारे यहाँ पे हेल्थ कवरेज को लेकर बताया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, कई बार हम लोग फंड रेज करते हैं, आपको मालूम है हर महीने पिछले 1 साल से हम लोग फंड रेज कर रहे हैं किसी ना किसी कैंसर पेशेंट या किसी ना किसी जरूरतमंद को लेकर, है ना, 50,000-1 लाख रुपए की मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी बन चुके हैं जहां पे कीटो हो गया, मिलाप हो गया, बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स जो कि लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है हमारे देश में? अगर इसको कम किया जा सकता है, अगर थोड़ी सी जागरूकता बढ़ जाए और लोग अपना 200-300-500 रुपए के अंदर अगर कोई सरकारी बैंक में जाके इंश्योरेंस करवा ले तो जरूरत पड़ने पे क्राउड फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपने आयुष्मान भारत में भी एनरोल कर लिया तब भी आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूर करा के रखें, समझ गए। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना पुअर कवरेज है जो कि हमारे देश के राज्यों के अंदर है, क्योंकि कोई प्रमोट करता नहीं है, तो आम जनता बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको पता नहीं है। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल 12% हेल्थ कवरेज है, मणिपुर में 14, बिहार में भी 14%, महाराष्ट्र में 20% है, समझ गए। ये मैं घर की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 1 मेंबर जिनका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है, और नागालैंड 20, सिक्किम 25, कर्नाटक 28, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, हिमाचल 34, गुजरात भी 40% है, केरला खुद 50% के ऊपर, आप सोचिए गोवा 66% पे है, आंध्रा 70% पे है, तो कितना कम हेल्थ कवरेज है जो कि देखने को मिलता है, जबकि बहुत ही सस्ते के अंदर होता है, कभी सरकारी बैंक में जाके पता करना आपको पता चलेगा, समझ गए। चलिए ठीक है, तो वही यहाँ पे नंबर है जो कि बताया गया है, बहुत ही खराब नंबर है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवा के रखें। आगे बात करते हैं 11 दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक तो यहाँ पे 100 साल हो चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी को, और अरुणाचल के आसपास और जो बॉर्डर एरिया इंडिया के आसपास वहां पे विलेजेस है दोस्तों जो कि ये लोग बना रहे हैं बहुत सारे आने वाले टाइम के लिए। जो गलवान वैली में कई सारे लोग मरे थे, शहीद हुए थे इन लोगों के भी, तो फाइनली जिनपिंग ने उनको रिकॉग्नाइज किया। चाइना तो पहले बताने को तैयार नहीं था, मानने को तैयार नहीं था कि उनके कोई सोल्जर जो है वो शहीद हुए, लेकिन जब वहां पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ आम जनता के बीच में, यूथ ने प्रोटेस्ट किया कि बताओ तो सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के 20 जवान गए और चाइना के नहीं गए हो, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली दोस्तों इन्होंने भी अपना नंबर बताया और इन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। 29 लोग हैं मतलब जो कि जिनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, जो कि आउटस्टैंडिंग पार्टी मेंबर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, ठीक है गाइस। चलिए हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस वाले न्यूज की और इस वाले न्यूज की, ठीक है।
चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अखबार वाले भी यार खतरनाक है। माना दोस्तों कि जेकब जूमा दोस्तों प्रेसिडेंट हुआ करते थे, है ना, साउथ अफ्रीका के, और इनको जेल हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप इतनी ऐसी फोटो लगाओगे, ठीक है। बहुत ही अजीब सी फोटो है जो कि द हिंदू ने यहाँ पे दी है, और ठीक है सरकास्टिकली दी गई है, मतलब कि यार ये क्या हो गया, मतलब प्रेसिडेंट होके जेल हो गई, बोला यार व्हाट इज दिस। चलिए अच्छी बात है, मतलब काफी खुशी होती है जब बड़े डेजिग्नेटेड लोग करप्शन करते हैं, किसी भी देश में उनको सजा मिलती है, तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन होता है। तो यहाँ पे जूमा जी को 15 मंथ की जेल है दोस्तों, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए यहाँ पे मिली है। ओके गाइस, ही रिफ्यूज टू अपीयर बिफोर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेटर के सामने आने से ही मना कर दिया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, और 15 महीने की सजा है जो कि इनको हो गई है। ठीक है गाइस, तो हिस्टोरिक रूलिंग साउथ अफ्रीका के टॉप कोर्ट ने ट्यूजडे को दोस्तों कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट जेकब जूमा को 15 मंथ की जेल है जो कि दी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लेकर। कई सारे करप्शन के चार्जेस है जो कि इनके ऊपर चल रहे थे, पुलिस ने अरेस्ट करने की भी कोशिश करी है ना। ठीक है गाइज, और इसके अलावा तो खैर ये वाली बात है जो कि आपको ध्यान रखनी। अब क्या होता है कि कई बार जब ऐसी न्यूज होती है ना कोई बड़ी, तब एग्जाम में सवाल बनना चालू हो जाता है, समझ गए मेरी बात। तो क्या होता है कि एग्जाम में आपसे बहुत ही बेसिक से सवाल पूछते हैं उस कंट्री से संबंधित। अगर आप कोई यूपीएससी का दे रहे हो तो भाई करप्शन से संबंधित पूछ लेंगे, कोई वहां का करंट अफेयर पूछ लेंगे। अगर आप कोई बेसिक से वन डे एग्जाम दे रहे हो तो फिर आपसे वहां के प्रेसिडेंट हो गए और भी छोटी मोटी चीजें पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लैकफाउंटेन तीन कैपिटल, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की 11 लैंग्वेजेस चलती है। सबसे बड़ी सिटी यहाँ पे जोहान्सबर्ग है, लेकिन जोहान्सबर्ग राजधानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है गाइस, चलिए इसके अलावा बात करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रामफोसा जी प्रेसिडेंट है अभी यहाँ पे। ओके चलिए ठीक है, करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1997 के अंदर है जो कि इनका बना है। पॉपुलेशन दोस्तों आप देख सकते हैं कोई नियर बाय 6 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, और पर कैपिटा के अंदर $5,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम है। करेंसी यहाँ पे साउथ अफ्रीकन रैंड है जो कि यहाँ पे चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसराइल और यूएई को लेकर। आपको मालूम है कुछ टाइम पहले दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूज आ रही थी कि गल्फ कंट्री ने भी इसराइल से जो है वो अच्छे संबंध है जो कि बनाने के लिए बोल दिए हैं। तो फाइनली दोस्तों इसराइल के जो न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया कंट्री की पहली एम्बेसी यूएई के अंदर। आपको मालूम है दोस्तों इसराइल की जो पैलेस्टीन और साथ में जो आसपास के कंट्री है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज है, उनसे बनते नहीं है, सीरिया वीरिया पैलेस्टीन इनसे बिल्कुल भी नहीं बनती है। और गल्फ कंट्रीज जो ये सारे के सारे क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं सीरिया को और साथ में आपके पैलेस्टीन को, इन सबको, इसलिए वजह से इसराइल की कभी भी इनके साथ में नहीं बन पाई। हमने इसराइल को नेहरू जी ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने से क्यों मना कर दिया था, क्योंकि हमें एक तरफ जाना था, या तो इसराइल की तरफ या गल्फ कंट्रीज की तरफ। तो हमारे लिए गल्फ कंट्री बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि इंपोर्ट हो रहा था हमारे, इसलिए नेहरू जी ने सबसे पहली बार जो है वो मना कर दिया था इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज ए कंट्री। लेकिन फिर एक दो साल बाद में समझ में आ गई कि इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और इसराइल एक बड़ा कंट्री बनने वाला है, तो फिर उन्होंने इंडिया ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया। तो दोनों के बीच में बनती रही थी, लेकिन फाइनली दोस्तों अभी यहाँ पे पहली एम्बेसी है जो कि इसराइल के द्वारा यूएई के अंदर ओपन है, जो कि कर दी गई है। ठीक है, तो एक बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है जो कि यहाँ पे यूएई के द्वारा लिया गया, बायलेटरल डील है जो कि इकोनॉमिक ऑपरेशन के ऊपर किया कर रहे हैं। एक्चुअली के अंदर क्या है कि सऊदी और यूएई अभी ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, है ना, इंटरनेशनली अपने आप को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो सके, हर कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशनशिप हो सके। ठीक है, यूएई तो खैर ऑलरेडी बहुत ही आगे है, मतलब कभी दुबई जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पता नहीं कोई दूसरी दुनिया में पहुंच गए। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो वहां पे मिनिमम होती है गाड़ियों की। आप बार पूछोगे ना कि यार यहाँ पे कितनी स्पीड से चला सकते हो, तो 120 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ही नॉर्मल स्पीड है वहां पे गाड़ियों की, ऐसे उड़ते हुए जाएंगी आपकी गाड़ियां, और बहुत सस्ती भी है गाड़ियां। जो हमारे यहाँ पे गाड़ी अगर मान लो 50 लाख की है, वहां पे 15-20 लाख रुपए मिल जाएगी, टैक्स फ्री फोर व्हीलर्स वहां पे अवेलेबल होती है। मतलब पॉसिबल नहीं है, आप रोड पार नहीं कर सकते दुबई के अंदर, आपको ब्रिज बना रखे एसी वाले बढ़िया उसी से पार होता है मतलब इंसान। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस को लेकर है। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो यहाँ पे जो फ्रंट पेज के ऊपर बात करी गई है वो तो कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि नए दिल्ली के पुलिस चीफ है जो कि यहाँ पे बालाजी श्रीवास्तव जी को बनाया जा रहा है, आईपीएस है 1988 बैच के दोस्तों। एडिशनल चार्ज है जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस का इनको बनाया गया है। करंटली स्पेशल कमिश्नर है पुलिस के विजिलेंस के दिल्ली पुलिस के अंदर। ओके तो ऐसे ही श्रीवास्तव जी से बालाजी श्रीवास्तव है जो कि नए दिल्ली पुलिस के चीफ है जो कि बनने वाले हैं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, चलिए अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दोस्तों बहुत पहले इनका फॉर्मेशन हुआ था। अरे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, करंट अफेयर बाय भुवनेश सर करके एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से कोई 61 या 62,000 के आसपास बच्चे हैं, उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डेली आपको पीडीएफ डालता हूं मैं 5 बजे की और 8 बजे की, समझ गए, देख लेना उसके अंदर जाके।
चलिए पीडीएफ पीडीएफ कर रहा हूँ। चलिए तो 1861 के अंदर दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था, ओके गाइस, और नियर बाय 80,000 के आसपास लोग काम करते हैं, 8-8.5 हजार करोड़ के आसपास का बजट है इनका, ओके। ये दिल्ली आप पूरा देख सकते हो, ये नॉर्थ दिल्ली है, नॉर्थ वेस्ट है इस तरीके से, क्या और पॉपुलेशन बहुत ही खतरनाक है, 1.5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 15 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, दिल्ली के अंदर दोस्तों 11,000 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर, ठीक है। चलिए और कैनॉट प्लेस पे इनका हेडक्वार्टर है, अमित शाह दोस्तों यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है, ठीक है गाइस, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए हेलीकॉप्टर इनके पास में एक ही है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। फॉरेन की जब मूवी, अगर अपन हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो ऐसा होता है ना कि कोई भी चोर भाग रहा होता है तो धमाधम हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, मतलब है ना उसको पकड़ने के लिए। हमारे अगर दिल्ली के अंदर ऐसा होता है तो एक ही हेलीकॉप्टर आ पाएगा क्योंकि इनके पास एक ही है। दिल्ली पुलिस की बात करूं तो ठीक है, पता नहीं हो रही एक भी चलता होगा नहीं चलता होगा, कोई क्या खराबी होगी, पायलट ही नहीं है पता लगा, इन्होंने रिक्रूट नहीं कर रखा, ठीक है। चलिए देखो कमिश्नर प्रणाली क्या होती है आपको मालूम है, सबसे पहले तो कांस्टेबल होते हैं आपके, फिर आपका एएसआई आता है, उसके बाद में एसआई आता है, और उसके बाद में आपके इंस्पेक्टर आते हैं, समझ गए। तो ये तो आपकी नॉर्मल रैंक होती है जो कि एग्जाम भी होता है जिससे आप एसआई बन सकते हो, एएसआई बन सकते हो, ठीक है। जब आप अपर लेवल के ऊपर आते हो तो सबसे पहले एसीपी बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर आपका डीएसपी होता है, डीसीपी होता है, डीसीपी के बाद में दोस्तों आपके, ठीक है, डीसीपी हो गया, डीसीपी के बाद में फिर आपके एडिशनल कमिश्नर, उसके बाद में जॉइंट कमिश्नर, और फिर लास्ट आपके कमिश्नर पुलिस। तो ये पूरी पूरी हायरार्की है, आपको पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। कल को ऐसा मत बोल देना कि सर एडिशनल कमिश्नर जो है वो छोटी रैंक होती है डीसीपी से, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना एसीपी डीसीपी एडिशनल जॉइंट और उसके बाद कमिश्नर, इस तरीके से याद कर लो, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, उसके बाद में एडिशनल जॉइंट, और उसके बाद में कमिश्नर पुलिस, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, इतना बहुत है। आगे बात करते हैं जो कि चलेंगे दोस्तों डायना अवार्ड को लेकर, ठीक है गाइस। तो दिल्ली के दोस्तों 3 स्टूडेंट है, एक तो है कैफ अली जो कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है जामिया मिलिया इस्लामिया के, सना है अंडर ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरविक, और एक देवांशी है फाइनल स्टूडेंट है लेडी श्रीराम कॉलेज की। तीनों को दोस्तों प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2021 है जो कि मिला है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि कोविड-19 के टाइम पे दोस्तों इन्होंने पेंडेमिक के टाइम पे लोगों की हेल्प करके जो है वो किया है, ओके गाइस, फंड रेजिंग करना, उसके बाद में लोगों को खाना अवेलेबल करवाना, शेल्टर अवेलेबल करवाना, ओके, ऐसे बहुत सारे काम है, बुक्स अवेलेबल करना, स्टेशनरी, अदर मटीरियल, अंडर प्रिविलेज बच्चों को, गर्ल्स स्टूडेंट को, है ना, सेमी अर्बन अर्बन एरिया के अंदर, ऐसे बहुत सारे काम इन्होंने करे, इसकी वजह से दोस्तों डायना जो प्रिंसेस जो है ना वेल्स की, उनके नाम पे दोस्तों अवार्ड है जो कि दिया जाता है। उनके जो सन है विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज, हैरी ड्यूक ऑफ सेक्स जो है, ओके, इनके द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत है जो की करी गई थी, ठीक है गाइज। चलिए डिजिटल कैंपेन चलाया गया था, 5 लाख रुपए रेज करे थे इन्होंने, है ना, और काफी लोगों की मदद है जो की करी थी, इसलिए ऐसी अवार्ड है जो की इनको मिला है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि अतुल कश्यप को लेकर। तो यूएस डिप्लोमेट है दोस्तों अतुल, उनको भी रिसेंटली जो है यूएस की तरफ से इंडिया का चार्ज है जो कि फॉरेन अफेयर्स का दिया गया है। यूएस डिप्लोमेट है दोस्तों अतुल, ओके कश्यप, तो ये दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, यहाँ पे चार्ज दी अफेयर के दोस्तों मिनिस्टर है जो कि यहाँ पे बनेंगे, यानी कि कुल मिला के इंडिया यूएस का जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है वो ये है जो कि बनने वाले हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों फेसबुक ने एक बहुत बड़ा केस है जो कि यूएस में जीत लिया, और दोस्तों जीतते ही उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $1 ट्रिलियन तक दोस्तों पहुंच गई, ठीक है गाइस, यहाँ पे, और किसकी, फेसबुक की बात कर रहे हैं, एप्पल की नहीं, फेसबुक, शायद मैंने एप्पल बोल दिया, फेसबुक। तो यूएस के जज ने दोस्तों अभी रिसेंटली फैसला सुनाया यहाँ पे, एक्चुअली के अंदर फेसबुक के खिलाफ कंप्लेन क्या हुई थी कि फेसबुक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अपने कॉम्पिटिटर के खिलाफ, जैसे कि कोई भी अगर ऐसा कॉम्पिटिटर आता है फेसबुक का जो कि उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है कि वो मजबूर होकर अपनी कंपनी को बेच देता है, ऐसा चार्जेस है जो कि फेसबुक पे लगाए गए थे। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम ने कंपीट किया, इंस्टाग्राम भी अक्वायर कर लिया, व्हाट्सएप ने काफी कंपीट किया, व्हाट्सएप तो फेसबुक को खत्म ही कर देता अगर अक्वायर नहीं करता तो, लेकिन व्हाट्सएप को भी अक्वायर कर लिया फेसबुक ने, तो इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि कोई कंपटीशन फेसबुक छोड़ ही नहीं रहा है अपने आसपास, और वो ऐसा जानबूझ के इन्वायरमेंट है जो कि क्रिएट करता है जिससे जो है कोई भी उनको अपनी कंपनी बेचने पे मजबूर हो जाता है। ये केस है जो कि फेसबुक के ऊपर दायर किया गया यूएस में, लेकिन इसके एविडेंसेस दोस्तों वो कुछ भी नहीं मिल पाए, और लैक ऑफ एविडेंसेस की वजह से ये केस जो है वो डिस्क्वालीफाई है जो कि यहाँ पे हो गया, ठीक है गाइस। तो इसकी वजह से जैसे ही एक फैसला आता है दोस्तों फेसबुक का जो मार्केट वैल्यूएशन है, जो कैपिटलाइजेशन है, वो $1 ट्रिलियन है दोस्तों जो कि पहुंच गया। $1 ट्रिलियन का मतलब है $1,000 बिलियन,
समझ गए, $1,000 बिलियन की ये कंपनी है, कैसे निकलती है ये मार्केट कैप जो इसकी कैपिटलाइजेशन है, कैसे निकलती है, कितने शेयर है आपकी कंपनी के और कितने शेयर की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो कि आ जाएगा, तो $1,000 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, वो बताए कितने की है, वो $150 बिलियन की है। सोचिए, यानी कि 8 गुना नियर बाय ज्यादा बड़ी कंपनी फेसबुक है अपने RIL से। RIL के अंदर सारी आ जाती है, जियो वियो सब आ जाता है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर। चलिए अगर अभी मैं प्रेजेंट में बात करूं दोस्तों, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021, तो पिछले साल अगर मैं 2020 में बात करूं ना, सेम इसी टाइम पीरियड के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में, तो हमारे पूरी दुनिया के अंदर 2 कंपनी थी जो कि $1 ट्रिलियन पे थी, और अगर 2019 पे अगर मैं जाऊं तो एक भी कंपनी नहीं थी जो कि $1 ट्रिलियन पे थी, लेकिन 2021 में आप देख सकते हो एप्पल तो दोस्तों $2 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, समझ गए, माइक्रोसॉफ्ट $1.7 ट्रिलियन, Amazon $1.5 ट्रिलियन, उसके बाद आपका Google आ गया $1.3 ट्रिलियन, और उसके बाद Facebook भी $1 ट्रिलियन पे पहुंच चुका है, यानी कि 5 दोस्तों अमेरिका की कंपनी है जो कि $1 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है, ठीक है। उसके बाद में फिर चाइनीज आता है, Tencent, फिर टेस्ला, अलीबाबा, ओके, बाकी शेयर ये सब आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है गूगल और अमेजोन को लेकर। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों देश के मोस्ट टॉप अट्रैक्टिव एम्प्लॉयर ब्रांड है जो कि बन चुके हैं, ठीक है गाइज। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या हुआ था, एक रेंस्टेंट एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च जो 2021 जारी करी गई, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बैंक के एग्जाम में बहुत आते हैं। तो गूगल इंडिया दोस्तों नंबर 1 के ऊपर, अगर मैं फाइनेंशियल हेल्थ की बात करूं, स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन की बात करूं, अट्रैक्टिव सैलरी की बात करूं, है ना, तो ये 3 मेजर चीजें जो कि किसी भी नौकरी करने वाले के लिए जरूरी होती है। एक तो हेल्थ के बेनिफिट, एक रेपुटेशन कंपनी की, और एक सैलरी, तीनों तो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो इन तीनों के अंदर दोस्तों गूगल जो है वो देश की नंबर 1 कंपनी है, सेकंड नंबर पे अमेजॉन है, और तीसरे के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट है जो कि बन चुकी है, समझ गए मेरी बात। एम्प्लॉय वैल्यू प्रपोजिशन, अगर मैं ड्राइवर्स की बात करूं तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है। चलिए इसके अंदर दोस्तों टॉप 10 के अंदर हमारे 4th नंबर के ऊपर इंफोसिस है, उसके बाद में टाटा स्टील है, फिर डेल है, IBM, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, सोनी, ये सारे के सारे टॉप 10 के अंदर है, ओके गाइज। चलिए यहाँ पे देख सकते हो आप 2 लाख लोगों के दोस्तों यहाँ पे जो व्यूज है जो कि यहाँ पे लिए गए हैं। आगे बात करते हैं जनसत्ता की दोस्तों, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया मंचों पर कैसा चौतरफा शिकंजा सही आती है ना, हिंदी वाले अखबार के अंदर जो हेडलाइंस आती है, चौतरफा शिकंजा है जो कि कस लिया गया है। मॉडर्ना के टीके को भारत में आयात उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है, 31 जुलाई डेट रखी गई है, एक देश एक राशन कार्ड योजना के लिए भोजन का अधिकार दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, ठीक है गाइस। चलिए इसके अलावा तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बात करते हैं जो कि दोस्तों स्टैटिस्टिक्स डे को लेकर बात करेंगे। कल आपको मालूम है कल था 29 जून, और हमारे देश में दोस्तों बर्थडे आता है PC मेलानोबिस्कोल का, और ये हमारे देश के दोस्तों टॉप कंट्रीब्यूटर है जो कि स्टैट्स के माने जाते हैं, इसीलिए इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमारे इंडिया के अंदर माना जाता है, ये देख सकते हो आप दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो 2nd 5-year प्लान था ना, वो इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया था, इन्हीं के प्रिंसिपल पर उसको लाया गया, ठीक है। चलिए थीम रखी गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 2, जिसमें एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओके, तो ये थीम है जो कि रखी गई। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो चीफ आर्किटेक्ट रहे इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम के, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल साइंस भी बोला जाता है इनको, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा द ISI यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है 1931 के अंदर कोलकाता में जो है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट जो कि किया गया था, ओके गाइज, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे दोस्तों इन्हीं के द्वारा एस्टैब्लिश है जो कि किया गया है। इसके अलावा पायलट सर्वे करना है ना, ये सारे काम इन्हीं के द्वारा है दोस्तों जो कि बताए गए थे, ठीक है गाइज। चलिए आगे बात करते हैं जो कि MOU साइन किया गया किसके बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और साथ में माइक्रोसॉफ्ट के बीच में, ठीक है गाइज, ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्या चल रहा है भाई कमेंट में, चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाइस, अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो एक बार व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। अभी काफी न्यूज है जो कि कवर करनी है, काफी मतलब 3-4 और है। चलिए तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में दोस्तों एक MOU है जो कि साइन हुआ है, एक पायलट प्रोग्राम है जो कि चलाया जा रहा है, 100 गांवों के अंदर 6 राज्यों में इसको चलाया जाएगा, ठीक है। एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस है जो कि बनाया जाएगा,
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या क्रिएट करेगा, एक यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस जो कि बनाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज के ऊपर। इसका नाम दिया गया है एग्रीस्टैक। आपसे पूछेंगे किसके द्वारा बनाया जा रहा है ये एग्रीस्टैक। के अंदर क्या है कि जितनी भी फार्मर की जो सुविधाएं कोई भी दे सकता है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डेटाबेस के माध्यम से, वो सारी दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल है जो कि करवाई जाएगी। समझ गए मेरी बात? ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है ना, फार्मर आईडी है जो कि यहाँ पे क्रिएट की जाएगी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ में, उसको लिंक किया जाएगा आधार के साथ में। आधार तो जरूरी है ही हर चीज के साथ, तो आधार के साथ में लिंक किया जाएगा। और कोई भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सॉइल से संबंधित हो, आपके क्रॉप से हो, बेचने को लेकर हो, जो भी हेल्प मिल सकती है एग्रीटेक के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं नीड ऑफ द एमओयू। आपको मालूम है फिलहाल दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर है हमारे देश में, हमारे 90% जो यहाँ पे हमारे देश में फार्मर है ना, उनकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जो कि वो माने जाते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी बहुत कम है। तो उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई है। ठीक है, उनके पूरे इन्फॉर्मेशन मिले, पेस्ट की इन्फॉर्मेशन, क्रॉप वेस्टेज की इन्फॉर्मेशन है ना, सॉइल टेक्नोलॉजी के लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, इनोवेशन को लेकर, ओके, ये सारे बेनिफिट है उनको मिले, इसलिए इसकी शुरुआत जो की करी गई है। किसानों की अगर मैं आमदनी की बात करूं तो वो बड़ी नहीं है, वो दिन ब दिन घटती ही जा रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। ठीक है, ये वाली बात है। ओके गाइज, इसके अलावा अगर बात करें तो फार्मर की इनकम का डाटा भी हमारे पास में नहीं है, तो ये भी नहीं पता कि फार्मर की इनकम कितनी है। सरकार बोलती है डबल करेंगे, तो डबल किस चीज को करोगे जब इसका डाटा ही नहीं है, पता ही नहीं है सरकार को कि फार्मर की इनकम रियलिटी में कितनी है। ठीक है, गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा। चलिए आगे बात करते हैं, राइट टू बी फॉरगेटन, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मानिए चलो ठीक है, गलती से जो है आपने कोई क्राइम कर दिया, अब क्राइम की आप सजा भी भुगत चुके हो, लेकिन दोस्तों आपने जो क्राइम किया है उसका ब्योरा, उसका जो है चिट्ठा सब जगह पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है ना, गूगल करोगे तो भी आपको मिल जाएगा उस केस के बारे में, आपका नाम आ जाएगा सब जगह पे, तो आप उसको भुला नहीं पाओगे कहीं पर भी, ऑब्वियसली है ना, भुला नहीं पाओगे। दो तरीके से लोग इस चीज को देख सकते हैं, एक तो बड़ा वो देखेगा कि यार देखो मेरा नाम आया है ना गूगल के अंदर सर्च करने पे, और एक देखेगा कि यार क्या है यार, ये गलती हो गई थी ना, कोई बात नहीं, अब इसको हटाओ ना। चलिए, तो भूलना भी दोस्तों क्या है, आपका राइट होता है एक तरीके से, ठीक है, कि बुरे वक्त को आप भुलाया जा सके। अब कैसे भुलाया जा सकेगा, अगर सोशल मीडिया पे हर जगह आपके केस के बारे में बात हो रही है या फिर कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो समझ गए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने दोस्तों रिसेंटली जो है रिलीफ दिया है एक पेटिशनर को, जो की बोल रहा है मुझे राइट टू बी फॉरगेटन एक्सरसाइज है जो की वो मांग रहा है। एक्चुअली मैं नार्कोटिक केस के अंदर दोस्तों उसको सजा मिली थी, और अभी सजा के बाद में वो छूट गया है, लेकिन दोस्तों कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल हो गया, इंडियन कानून हो गया, सब जगह पे उस भाई के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, अब भाई जो है उसको भुला ही नहीं पा रहा उस केस को तो उसने बोला यार ये मेरा राइट है, राइट टू बी फॉरगेटन, मैं भूलना चाहता हूं, तो आप मुझे मदद तो करो भाई, ऑफलाइन तो मैं भूल जाऊंगा लेकिन ऑनलाइन तो आप भूलने नहीं दे रहे मेरे को तो सरकार कोर्ट में उसने बोला कि भाई मुझे भूलना है तो ये हटाओ यहां से। ठीक है, ऐसा ये पहली बार केस नहीं है जो कि इंडिया में या दुनिया के अंदर दोस्तों पहली बार आया है, इससे पहले भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे केसेस है जो कि हो चुके हैं। फ्रांस के अंदर ये चलता है राइट टू ऑफ ओब्लिवियन, ठीक है, यानी कि भूलना आपको वहां पे अलाउ किया जाता है, आपका जो भी अगर सजा काट चुके हो तो सब जगह से दोस्तों उस डाटा को हटाया जाता है, मदद की जाती है उसको पर्सन को कि वो इन चीजों से बाहर आके काम कर सके। 2014 के अंदर दोस्तों यूरोपियन काउंसिल के अंदर भी इसके ऊपर जो है अच्छा फैसला है जो कि सुनाया गया था, जिसमें बोला गया था कि चलो भाई ठीक है हम आपको बोलने का पूरा चांस देंगे, आर्टिकल 17 है यूरोपियन यूनियन का, उसके अंदर भी इसके बारे में बोला गया है। समझ गए, इंडिया में दोस्तों इसके लेकर अभी कोई कानून नहीं बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्टली इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यार ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है, अगर एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि भूलने के लिए आपका डाटा हटाया जाए, कल को कोई आदमी बोलेगा कि भाई मुझे तो जानने का अधिकार है इस आदमी की कितनी सजा हुई, क्या केस हुआ था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो दो, ये मेरा जानना के भी तो अधिकार है पब्लिक डोमेन में, तो फिर उस अगले की क्या करें हम लोग तो दोनों तरफ ही जो है प्रॉब्लम है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर अच्छे से बैठ के अच्छे से बात की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा, फिर इसके ऊपर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि फ्रेम करे जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए अभी इसके ऊपर थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो कि दोनों के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे ठीक है, आर्ग्यूमेंट की बात करें जो कि इसके फेवर में है, ये देखिए इससे क्या होता है, उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब होती है, तो इसलिए उसको राइट टू फॉरगेटन मिलना चाहिए, और यही एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी भी है उसका। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं इसके अगेंस्ट में बात करूं तो सोसाइटी को भी तो जानने का राइट है अगले ने किया क्या है। ठीक है, अगले ने किया क्या है, एक बार क्या होगा, एक बार आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। ठीक है, इसी से संबंधित है राइट टू नो,
है ना, राइट टू नो, सोसाइटी राइट टू नो वाले को लेकर। एक बार क्या हुआ, एक मेरी कॉलोनी के अंदर एक मेरा फ्रेंड था और उसकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड की मम्मी मेरे फ्रेंड को हमेशा जो है वो परेशान किया करती थी, पूरे उसके घर वालों को भी, कि आपका लड़का तो पढ़ता नहीं है और मेरी लड़की को भी पढ़ने नहीं देता है ना, दोनों साथ में स्कूल में हुआ करते थे। तो काफी जो है उस लड़के को परेशान कर दिया। 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, 12th बोर्ड के रिजल्ट के अंदर जो मेरा फ्रेंड था वो तो हो गया फेल, ठीक है। तो उसके तो बहुत, उस आंटी ने पूरी कॉलोनी में बड़ी बदनामी करी और खुद की बेटी की आंटी ने 80% है जो कि बताई सभी कॉलोनी के अंदर, और बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर लिया अपना रेपुटेशन। तो अब मेरे दोस्त को पता था कि इसकी इतनी परसेंटेज तो बन नहीं सकती क्योंकि ये भी डब्बा है। तो भाई ने कह के राइट टू सोसाइटी, राइट टू नो द सोसाइटी, ये मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ, दिमाग आगे चलता है कई लोगों का, चाचा चौधरी से भी तेज होता है। उसने क्या किया, मार्कशीट की फोटो स्टेट निकाली और हर घरों में उस मार्कशीट की फोटो स्टेट जो है वो घर पे जाके नीचे से डलवा दी, 500 फोटोकॉपी डलवा दी। उस लड़की की जब बाद में पता लगा मार्कशीट आई, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो लोग मानेंगे नहीं, वो तो घर वालों की मानेंगे, तो उसने बोला नहीं, उसने मार्कशीट ही लोगों के घरों में डलवा दी उसकी डुप्लीकेट फोटोकॉपी करके, और उसकी परसेंटेज आई भी थी 48। समझ गए, मतलब मुश्किल से वो लड़की जो है वो पास हो पाई थी बेचारी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यार इसकी तो 48% है, उसकी मम्मी बोल रही 80%, तो वही वाली बात है। तो पूरी कॉलोनी के अंदर काफी जो है रियलिटी सामने आ गई। तो राइट टू नो सोसाइटी का जो है ना, ये वाला आर्टिकल है जो कि उसने काम में लिया था उस टाइम पे, ठीक है। चलिए ओके गाइस, तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो कि होती है। चलिए ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें पॉलिसी को लेकर जो है इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से को लेकर है, ठीक है गाइस। अरे भाई ये आइडिया जो है आप लोग इम्प्लीमेंट मत कर देना, मैं कोई भी, देखो ये करंट अफेयर सेशन जो है उसको मैं बहुत प्रोफेशनली नहीं लेता हूँ, मैं एक तरीके से आई कंसीडर यू एज माय फ्रेंड, ठीक है, छोटे भाई बहन वट एवर यू कैन कॉल, ओके। इसलिए मैं आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर ले रहे हर जगह पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। चलो बचपन में हो जाता है ऐसा, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो, आपको ऐसा काम नहीं करना है जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है। अगर वो झूठ बोल रही है तो लेट इट बी, कोई बात नहीं। लेकिन क्यों झूठ क्यों बोल रहा है लेकिन चलिए वो वाली बात है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, यहाँ पे रिसेंटली न्यूज क्या है, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है उसने दोस्तों रिसेंटली कई टाइगर्स है जो कि इनहैबिटिंग देखा है कहाँ पे, बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम के अंदर है, ओके। यहाँ पे नॉर्मली टाइगर देखने को नहीं मिलते लेकिन रिसेंटली देखने को मिले, इसलिए ये न्यूज है जो कि दोस्तों बन गई है। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि आसाम की मानी जाती है, मात्र 26 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है जो कि देखने को मिलता है, नॉर्दर्न आसाम के अंदर है, ओके गाइज, और भूटान से बिल्कुल पास में ही है इसका, ठीक है। और यहाँ पे बर्नाडी रिवर भी है, नालापारा रिवर भी है जो कि इसके आसपास है। लीगल स्टेटस की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 के अंदर है दोस्तों जो कि इसको ठीक है, इसको स्टेटस है जो कि मिला था, प्रोटेक्टेड एरिया है दोस्तों, ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा लीगल स्टेटस है जो कि इसको मिला हुआ है। और यहाँ पे कई सारे थ्रेटन स्पीशीज भी, जैसे कि एशियन एलिफेंट है, टाइगर देखने को मिलते हैं, गौर है, 60% दोस्तों यहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आसाम में और भी कई सारा है, डिब्रू है, मानस है, नामेरी है, राजीव गांधी, काजीरंगा, ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि आसाम के हैं। आप देख सकते हैं ये डिब्रू है, ये काजीरंगा है, ये औरेंग है, ये मानस है ना, ठीक है गाइस, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं आज का फन फैक्ट जो कि है दिल को लेकर। अक्सर दोस्तों बॉलीवुड फिल्मों के अंदर आप दिल, जिगर, जान ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि आपको सुनने को मिलते हैं, दिल निकाल के रख देते हैं, दिल उसको दे दिया, दिल उससे ले लिया, दिल टूट गया। लेकिन दोस्तों साइंस अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल अब आपको आर्टिफिशियली भी अवेलेबल हो जाएगा, बाहर से जाके ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे चाहिए, क्योंकि दोस्तों साइंटिस्ट ने क्या कर दिया है, 3D प्रिंट है दोस्तों जो कि बिल्कुल ह्यूमन हार्ट जैसा दोस्तों बना दिया है, इससे सर्जरी भी कर सकते हैं और ट्रांसप्लांटेशन भी किया जा सकता है। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, दिल टूट गया है जोड़ लो, किसी को दे दिया है वापस से दूसरा ले लो, कोई लोड नहीं है, ठीक है गाइस। चलिए तो ये था आज का फन फैक्ट दोस्तों। इसके अलावा अगर आप इंडिया में या दुनिया में कहीं पर भी कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप कुछ सोसाइटी से कोई भी सैलरी मिली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव बैक टू द सोसाइटी, 1% 2% आप अपना सैलरी का अगर किसी वापस से देंगे तो इट विल बी ग्रेट। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए कि किसी एक बच्चे को आप एजुकेट कर सके अपने लाइफ के अंदर। तो आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन है जो कि ले सकते हैं अनअकैडमी से, नहीं smileforallsociety.org से, अनअकैडमी पे नहीं मिलेगा ये, आपको स्माइल फॉर ऑल पे मिलेगा वेबसाइट पे जाके, 500 रुपए पर मंथ में एक बच्चे को आप अडॉप्ट करके उसकी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए और रिन्यू भी कर सकते हैं यहाँ से, ओके, आप वॉलंटियर करके आप किसी बच्चे का एडमिशन भी करवा सकते हैं।
चलिए इसके अलावा इंडिया करंट अफेयर को गाइस ज्वाइन कर लेना, है ना। यहाँ पे मैंने और भी वीडियोस अवेलेबल करवा दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और यूपी पीसीएस के लिए। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम नाम से चैनल है, यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप BHU10 है जो कि रेफर कोड लगाइए BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ है जो कि आपको मिल जाएगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, PDF सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल सिलेक्ट करिए, 30+ एग्जाम में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन 12 या 24 महीने और नीचे BHU10 है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको 10% ऑफ EMI के माध्यम से मिल जाएगा। GK के पढ़नी है अगर आपको दोस्तों कंप्लीट, तो आप SSC फाउंडेशन बैच में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा पब्लिश है जो कि करी गई है। ओके, नशा मुक्ति भारत अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में कौन सी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है, किसको, फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को लेकर। एशिया की लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक जो है वो कहां पर बनाया गया है और कौन सी स्पेस एजेंसी प्लान कर रही है फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने को लेकर। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं इंडिया करंट अफेयर में दिन के 3 या 4 बजे आपको एक और नया वीडियो है जो कि मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन।